सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एक एरे को इनपुट करेंगे एंड देन उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने बेसिक से सी प्लस प्लस प्रोग्राम का सेटअप कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। इंट ए आर आर इक्वस टू लेट सपोज 12, 34, 56, 78, 11। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे। इंट आई इक्वस टू ज़ीरो, आई लेस देन 5, i++, एंड यहाँ पर करा देंगे सी आउट एरे ऑफ i, एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी आउट इनिशियल एरे ऑर्डर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे रिवर्स्ड एरे एलिमेंट्स ऑर्डर, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, जैसा कि सबसे पहले आई इक्वस टू ज़ीरो के लिए 12 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, आई इक्वस टू 1 के लिए 34 प्रिंट हो जाएगा। तो जो हमारी इंडेक्सिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 देन 1 फिर 2 फिर 3 देन 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फोर्थ एलिमेंट है उसको प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पर। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंट आई इक्वल्स टू 4, i> 0। तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा जीरोथ एलिमेंट, एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं i माइनस माइनस, क्योंकि सबसे पहले i की वैल्यू 4 होगी, देन कंडीशन चेक होगी क्या 4 > इक्वल टू 0 है, हाँ 0 है, तो फिर जो स्क्रीन पर है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट। सी आउट एरे ऑफ आई, यहाँ पर हम लोग पहले एक स्पेस दे देते हैं ताकि जो आउटपुट है वो हमें क्लियर दिखे। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। सो पहले जो ऑर्डर था एरे के एलिमेंट्स का यहाँ पर हम लोग एक सिलेक्शन लिख देते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट है वो सी आउट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करें। इसको सेव करके रन करते हैं। सो जो पहले वाला ऑर्डर था वो ये था और जो नेक्स्ट रिवर्स्ड ऑर्डर है वो ये है। तो इस तरीके से आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर एक एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।